दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज दिन संडे का और आज डेट है 3 सितंबर 2023 और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है आपका 1:51 हो चुके हैं। दोस्तों अगर आपको दिख रहा हो यहाँ से, आप देख सकते हैं दिन के 1:51 हो गए हैं और मैं आ गया हूँ द्वारका सेक्टर 1 और लास्ट स्टॉप मैंने किया था एयरपोर्ट साइड। तो आज संडे का दिन है, संडे वैसे मैं मोस्टली छुट्टी लेता हूँ बट छुट्टी नहीं ली और काम पर निकल आया क्योंकि ऑलरेडी एक हफ्ते से काम पर था नहीं, तो सोचा था थोड़ा सा काम निकाल लेता हूँ, थोड़ा सा गाड़ी में काम मांग रही है थोड़ा सा। तो जहाँ से मैं लास्ट टाइम मैंने रेडिएटर क्लीन करवाया था बीच में 3-4 दिन पहले, तो रेडिएटर क्लीन करवाया था तब मेरा जो रेडिएटर का पाइप था ना वो काफ़ी ढीला था जिसकी वजह से मेरी गाड़ी में हीटिंग का साइन आ रहा था 1-2 बार और प्रॉब्लम हो रही थी बीच बीच में। तो वो उसको मैंने क्लीन कराया, क्लीन कराने के बाद पता चल लगा कि लीकेज जो रेडिएटर का पाइप है वहाँ से हो रही थी। तो वहाँ से जो लास्ट टाइम मैंने कभी 2 महीने पहले क्लीन करवाया था तब उस बंदे ने ढीला छोड़ दिया था, तब से मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी और समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है ये दिक्कत। तब जाके पता चला कि वहाँ पाइप की तरफ से ही कूलेंट मतलब बार बार रेडिएटर में कम हो रहा है, तो फिर उसका पता लगा। फिर उसे मैंने उस बंदे ने जिससे रेडिएटर क्लीन करवाया था अभी 4-5 दिन पहले, तो उसने बताया भैया यहाँ से यह पाइप आपका फूल गया है, इसको आप चेंज करा लेना, अभी तो मैं फिलहाल टाइट कर देता हूँ। तो मैंने कहा चल ठीक है यार अभी, तो जब से उसने टाइट किया तब से कोई दिक्कत नहीं आ रही, मतलब कूलेंट भी ठीक है और रेडिएटर में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही, ना ही कोई हीटिंग का साइन आ रहा। तो अभी आज मैं निकला था इसी वजह से, मैंने कहा चलो आज संडे का दिन है तो थोड़ा सा देखिए गाड़ी में कुछ भी काम कराना होता है, मैंने कहा चलो 4-5 घंटे चला लेते हैं, जितना भी काम होगा वो गाड़ी में ही लगा देंगे अपना। वैसे तो संडे छुट्टी लेता हूँ तो इसलिए मैं निकला था आज, और आज मैं मॉर्निंग में करीब निकला था आपका 9 बजे करीब निकला था। 9 बजे निकल के पहली ट्रिप मेरे पास आ गई थी आपका करोल बाग साइड में। तो करोल बाग साइड में फेयर तो आप पूछिए मत दोस्तों कितना फेयर दिखाता है, फेयर इतना बेकार दिखाता है, 220 रुपये 22 किलोमीटर में। तो 220 रुपये दिखाए 22 किलोमीटर में जिसमें कार्ड के 5% टैक्स 210 रुपये मुझे मिले। उसके बाद मेरे पास जो वहीं से आ गई थी अशोक विहार की ट्रिप, तो अशोक विहार छोड़ा, अशोक विहार से वापस मेरे पास आ गई करोल बाग, करोल बाग छोड़ा, फिर वापस मेरे को करोल बाग की मिल रही थी। तो मतलब छोटी छोटी ट्रिप से ज़्यादा प्रेफर कर रहा है ऊबर, पता नहीं क्या। बड़ी ट्रिप्स तो काफ़ी जमाने हो गए देखे हुए कि बड़ी ट्रिप्स आपको 50-60 किलोमीटर की कोई ट्रिप्स मिलती है। पहले नोएडा साइड की ट्रिप्स मेरे पास आती थी तो उसमें ग्रेटर नोएडा की आ जाती थी 50 किलोमीटर, ठीक है सोनीपत की आ जाती थी 50 किलोमीटर की। तो अब ये ट्रिप्स से पता नहीं कहाँ गायब हो गई है और बिल्कुल भी, पहले इंटरसिटी मुझे हफ्ते में मैं जैसे सैटरडे को जाता ही था मेरठ, पहले एक मैम फिक्स थी मेरी बट वो भी अब हट गई है क्योंकि उन्होंने अपना ड्राइवर हायर कर लिया। तो उस दौरान भी हफ्ते में मेरे 2 चक्कर मेरठ के लग जाते थे, एक ऊबर से लग जाता था एक वैसे लग जाता था। तो अब ना पैसेंजर जो फिक्स था वो भी हट गया और दूसरा जो ऊबर में आती थी इंटरसिटी की वो भी हट गई और सोनीपत तक की भी आती थी। किसान आंदोलन के टाइम में सोनीपत की इतनी बुकिंग्स मिलती थी, ठीक है हमारे जाने का मन नहीं करता था पर फिर भी जाते थे और पीछे गांव वाले रास्ते से निकल के आते थे और वहां पर कितना दिक्कतें होती थी, 2-3 घंटे लगते थे, फिर भी हमने यही सोचा था, मैंने कहा चलो काम करना है तो यार कहीं भी जाना है। बट अब क्या है कि अब हम चाहते हैं कि सोनीपत की बुकिंग्स मिले, हमें देते ही नहीं है बुकिंग्स, और बुकिंग्स अगर दे भी दी आपको तो फेयर इतना कम बनाएगा कि आपको खुद के जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि जब से फेयर दिखाने लग गया तब से अंदर से मतलब ये होता है यार इतना कम फेयर कैसे हम मतलब जाएंगे, इसमें 5% टैक्स भी काटेगा बंदा, तो फिर कई बंदे इस चक्कर में ट्रिप्स भी छोड़ देते हैं। तो दोस्तों करोल बाग की आ रही थी, करोल बाग की मैंने छोड़ दी, उसके बाद मेरे पास सीधा आई अशोक नगर की मयूर विहार के पास। तो अशोक नगर पहुंचा, अशोक नगर के पास CNG रेड पे हुई थी तो मैंने सोचा यार पहले CNG डलवा ली जाए वरना CNG के चक्कर में ना बड़ा टाइम खराब हो जाता है। तो चिल्ला वन से मैंने CNG डलवाई आपका मयूर विहार के पास से, तो वहां से डलवाने के बाद फिर मेरे पास सीधा आ गई थी दक्षिणपुरी साइड की। तो दक्षिणपुरी छोड़ा, दक्षिणपुरी मैं जैसे ही चिराग दिल्ली की मतलब आपका जो लाजपत नगर है वहां आया, तो आज दोस्तों दिल्ली पुलिस का कुछ मॉप ड्रिल चल रहा था और मॉप ड्रिल मतलब ये था कि वो एक G20 समिट में क्या होने वाला है क्या नहीं होना उसका मतलब उस दौरान ट्रैफिक में कुछ भी जो भी समस्या आती है, तो एक मॉप ड्रिल एक ट्रायल होता है कि भाई ऐसी सिचुएशन में हम कैसे निपटा जाए।
तो वो चीज आज हो रही थी। तो लकीली मैं लाजपत नगर से चिराग दिल्ली की तरफ जा रहा था, चिराग दिल्ली पे भयंकर ट्रैफिक रोक रखा था टूवर्ड्स जो खानपुर साइड से आता है ट्रैफिक, तो पूरे मीडिया के वो आ रखे थे उस चीज को देखने के लिए, शूट करने के लिए। तो मैं तो लकीली निकल आया वहां से, वहां से निकला फिर मेरे पास दक्षिण पुरी से साकेत की ट्रिप आ गई, साकेत छोड़ा, साकेत से फिर मैंने लोकेशन डाल दी थी, तो मालवीय नगर से आ गया यहाँ पर एयरपोर्ट की तरफ। तो बस अब जा रहा हूँ घर की तरफ ही जा रहा हूँ, पहले देखूंगा मैकेनिक के पास पूछूंगा पाइप भाई चेंज कराने की दिक्कत है या नहीं है या इसी को ही चलाते हैं। तो अब निकलता हूँ, जितना भी पैसा कमाया मैंने वो आज इसमें लगा दूंगा। तो दोस्तों अब देखिए ये हफ्ता हमारा जो नेक्स्ट है मंडे से जो स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ 4 दिन काम होना है थर्सडे तक, उसके बाद फ्राइडे सैटरडे संडे आपका दिल्ली पूरी बंद है, बंद ही समझ लीजिए। तो अपना प्लान कर लो कहीं भी जाने का, अगर आप सोच रहे हो दिल्ली से बाहर जाने का तो दिल्ली से बाहर जाने के लिए प्लान कर सकते हैं आप, मेरी गाड़ी बुक कर सकते हैं, छोटी चाहिए बड़ी चाहिए एटिका चाहिए वो भी मिल जाएगी आपको, जौन सी गाड़ी आपको चाहिए वो अवेलेबल हो जाएगी। बस आप एक फोन नंबर घुमा दीजिए 7551168127, ये मेरा नंबर है। तो आप अगर 3 दिन का प्लान कहीं कर रहे हैं जाने आने का तो आप भेजिए ओके कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों यही टाइम होता है घूमने फिरने का, क्योंकि ऐसा मौका मिलता नहीं है कि पूरा मतलब कोई फैमिली के बीच में एक साथ रहे, कोई ना कोई अपने किसी ना किसी शेड्यूल में बिजी रहता ही रहता है। तो चलिए दोस्तों आज का मैं काम आपको बताता हूँ, आज का मेरा काम कितना हुआ है, कोई ज्यादा खास नहीं हुआ पर जितना भी किया है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1087 रुपए का मेरा आज का काम है, जिसमें मेरी 300 रुपए की सीएनजी लगी होगी, ठीक है 300 की सीएनजी हटाएंगे तो 800 रुपए बचेंगे। आज गाड़ी की मेंटेनेंस फिटनेस परमिट कुछ नहीं देखना, बस आज गाड़ी का पैसा गाड़ी में ही लगा देना है, तो जीरो आप समझ लीजिए इनकम है। बस मैं 4-5 घंटे के लिए तफरी मारने के लिए निकला था और तफरी मारते मारते काम कर लिया है। तो जितना भी काम होता है ये आज गाड़ी के ऊपर है, क्योंकि गाड़ी ही हमें कमा के दे रही है तो उसका भी राइट्स बनता है भाई, उसकी भी हम कुछ खातिरदारी करें, कुछ सेवा पानी करें, क्योंकि हम उसकी करेंगे तब वो हमारे को रिवर्स में कुछ अच्छा बेनिफिट देगी। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना वीडियो को, जितना आप शेयर करोगे वीडियो उतनी वीडियो आगे पहुंचेगी, उन भाइयों के पास जाएगी जो जानना चाहते हैं एक्चुअल में ओला उबर में कितना काम है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं कल मंडे नेक्स्ट डे पे, तब तक के लिए बाय।